हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास वन का ईवीएस। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, सेफ्टी रूल्स। सो चैप्टर का नाम है सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स मतलब क्या, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें, वो सारे रूल्स जो हमें फॉलो करने होते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि सेफ्टी रूल्स क्या हैं, कौन कौन से सेफ्टी रूल्स होते हैं जो हम एट होम करते हैं, घर में करते हैं, स्कूल में देखते हैं, ऑन रोड और वाइल ड्राइविंग, ड्राइव करते समय, खेलते समय और स्विम करते समय। तो ये सारे रूल्स हैं। सो कुछ रूल्स हैं जो हम अपनी सेफ्टी के लिए फॉलो करते हैं, तो उसी सेफ्टी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर को हम रीड करते हैं। सो यहाँ पे कुछ 4-5 लाइंस दी है सेफ्टी रूल्स के ऊपर, एक छोटा सा पोएम जैसा, उसको रीड करके देखिए। हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। सो देखिए, एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन वी आर केयरलेस और वी आर इन अ हरी। तो एक्सीडेंट्स कब होते हैं, दुर्घटनाएं कब होती है, जब हम केयरलेस होते हैं, मतलब हम केयरफुल नहीं होते, हमारा ध्यान कहीं चला जाता है, तभी जो है एक्सीडेंट्स होते हैं। और जब हम जल्दबाजी में होते हैं, हरी मतलब जल्दबाजी में होना। एक्सीडेंट्स कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ वी प्ले विथ डेंजरस थिंग्स। और इसके अलावा एक्सीडेंट्स तब भी हो सकते हैं जब हम खतरनाक चीजों से खेलते हैं, है ना। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स, हम जो है एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। इफ वी डू थिंग्स, अगर हम ऐसे थिंग्स करेंगे जो कि हम केयरफुली करें एंड फॉलो द सेफ्टी रूल्स, अगर हम ध्यान से चीजें करेंगे और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम जो है इन एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेफ्टी ऑन द रोड, मतलब रोड पर चलते समय जब आप रोड पर होते हो आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सो देखिए, वी मस्ट फॉलो द गिवन सेफ्टी रूल्स, हमें कुछ रूल्स हैं जो रोड पर फॉलो करने पड़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं हर जगह पर सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रोड पर क्या क्या सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। ओबे ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स क्या होता है आपको पता है ना, जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें रेड मीन्स होता है स्टॉप, येलो मीन्स गेट रेडी टू गो एंड ग्रीन मीन्स गो। सो ये है ट्रैफिक रूल्स जो हम ट्रैफिक लाइट्स में देखते हैं, ठीक है, तो वो हमें फॉलो करना पड़ता है। देन ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ क्या होता है, यहाँ पे देखिए पिक्चर में जो रोड के साइड में नहीं एक हाइट में थोड़ी सी जगह बनाई होती है उसे हम फुटपाथ बोलते हैं, तो फुटपाथ पे हमें चलना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, जहाँ पर भी आपको जेब्रा क्रॉसिंग दिखे ना वहीं पर ही आपको रोड क्रॉस करना चाहिए, अगर आप बहुत ही बड़े जंक्शन में हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लैक एंड वाइट लाइन्स होती है उसे जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। देन डू नॉट प्ले ऑन और नियर द रोड, आपको रोड के आस पास या फिर कहीं पर भी जहाँ पर रोड हो वहाँ पर नहीं खेलना है। जैसे इस पिक्चर में देखिए ये जो बच्चा है वो बॉल के पीछे भागते भागते रोड पर पहुंच गया। सो आपको सावधान रहना है, आपको रोड के पास या रोड पर जाकर कभी भी नहीं खेलना। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, क्या है जो ट्रैफिक लाइट्स है ना उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेड लाइट सेज स्टॉप, येलो लाइट सेज वेट या फिर लुक, कुछ भी लिख सकते हैं, एंड ग्रीन लाइट सेज गो, ठीक है, तो फिल करिए ऐसे यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें घर में क्या क्या रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं, घर में हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं। देर आर मैनी थिंग्स इन एवरी हाउस विच कैन हार्म अ चाइल्ड, देखिए हर घर में बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे किसी भी बच्चे को चोट लग सकती है, बहुत सारी नुकीली चीज़ें, शार्प चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें हैं ना आपके घर में जो कि डेंजरस है। जैसे कि देखिए पिन जो सेफ्टी पिन होता है जो मम्मी यूज करती है ना, देन नीडल सुई होते हैं जिससे सिलते हैं सुई धागा, देन नाइफ चाकू होते हैं आपके किचन में, सीजर्स होते होंगे और नेल कटर्स। पर ये सारी चीज़ें देखिए हम अपने घर में यूज़ तो करते हैं, बहुत काम की चीज़ें होती है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी होते हैं, ये डेंजरस भी होते हैं, आपको ये सारी चीज़ें जो है कभी भी नहीं लेनी है। ये सारी चीज़ें हैं जो डेंजरस चीज़ें हैं जो आप अपने घर में देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और बातें बताई है जो आपको फॉलो करना है जब आप अपने घर में होते हो। देखिए, डू नॉट लीन ओवर बालकनी रेलिंग्स और टेरेस, लीन मतलब जब हम बहुत ही सपोर्ट लेकर खड़े रहते हैं, सहारा लेकर किसी चीज़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं लीन करके खड़ा होना। ऐसा अगर हम बालकनी में खड़े रहेंगे या फिर रेलिंग्स में खड़े रहेंगे, रेलिंग्स क्या होती है, रेलिंग्स मतलब जब खंभे बना रखे होते हैं बाउंड्री के लिए, ठीक है, और टेरेस, टेरेस मतलब छत। यहाँ पर ना ऐसी जगहों पर आपको दीवार पे जाकर ऐसे लीन नहीं होना है, हमें खुद के सपोर्ट में रहना है, उसके ऊपर ऐसे जाकर लेटना नहीं है दीवार के ऊपर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लीन करना, तो ऐसा हमें नहीं करना है।
है क्योंकि हम वहाँ से गिर सकते हैं। देन कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम शार्प थिंग्स, शार्प थिंग्स नुकीली पॉइंटेड डेंजरस चीज़ों से दूर ही रहिए। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक, देखिए माचिस की तिल्ली से ना खेले, लाइटर्स होते हैं जिससे आग जलाते हैं उससे भी नहीं खेलना, इलेक्ट्रिक वायर्स जो आपके इलेक्ट्रिक वायर्स लगे हैं आपके घर में जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वहाँ पर आपको वो सब टच नहीं करना है। सॉकेट्स, ठीक है, जो जिसमें हम प्लग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जो स्विच बोर्ड होता है आपके घर में, उन सभी के साथ भी हमें नहीं खेलना है एज दे कंटेन फायर एंड इलेक्ट्रिकल करंट, क्योंकि देखिए मैचस्टिक वगैरह से आग निकलती है और बाकी चीज़ें करंट भी मार सकती है, तो हमें जो है ऐसी चीज़ों से दूर ही रहना है। डू नॉट जंप ऑन सोफ़ा और एनी अदर फर्नीचर, देखिए सोफ़ा में, बेड में या फिर चेयर में, चेयर से टेबल पर कूदना, इस तरीके से जंपिंग चीज़ें हम हाइट में नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे देखिए, क्योंकि वहाँ से अगर हमारा पैर फिसल गया हम गिर सकते हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स में बहुत बड़ी बड़ी चोट आ सकती है, ठीक है। तो हमें जो है केयरफुल रहना है, हमें बचाना है ना हमेशा अपनी बॉडी को। हाँ, और देन देखिए, वी शुड नॉट टेक मेडिसिन ऑन आवर ओन एज इट मे मेक अस सिक, तो हमें कभी भी खुद से दवाइयाँ नहीं खानी है, जो मम्मी पापा हमें दवाई देंगे वही हम लेंगे जब हम बीमार होते हैं, ठीक है। खुद से हमें कभी भी दवाइयों को टच नहीं करना है क्योंकि वो भी बहुत डेंजरस होती है, गलती से भी आपके आँख या मुँह में वगैरह चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इससे अच्छा अपने आप को बचा के रखिए, ठीक है। देन देखिए यहाँ पे दिया भी गया है पिक्चर कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। अब आगे देखते हैं कि स्कूल में हमें सेफ्टी रूल्स का क्या क्या फॉलो करना है, मतलब क्या क्या रूल्स हैं जो हमें स्कूल में फॉलो करने हैं। देखिए, ऑलवेज वॉक इन अ क्यू विदाउट पुशिंग ईच अदर, हमेशा क्यू में चले, क्यू मतलब लाइन बनाकर चले और किसी को धक्का नहीं देना है, पुश पुल वगैरह नहीं करना है जब आप स्कूल में चल रहे हो बच्चों के साथ, ठीक है। डू नॉट जंप ऑन टेबल्स और चेयर्स और रन अराउंड द क्लास, मतलब कभी भी टेबल पर चढ़कर कूदना, चेयर पर चढ़कर कूदना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, और रन अराउंड मतलब इधर उधर भागना भी नहीं है क्योंकि इससे भी हम गिर सकते हैं और चोट आ सकती है। डू नॉट पुश ईच अदर ऑन द स्टेयरकेस, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियाँ, जब हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, होती है ना स्कूल्स में सीढ़ियाँ, तब वहाँ पर हमें किसी को पुल और पुश नहीं करना है, किसी को खींचना, किसी को धक्का मारना बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। ऐसा चीज़ें आप कभी नहीं करेंगे क्योंकि किसी को बहुत ज़्यादा चोट आ सकती है। डू नॉट प्ले रफ गेम्स इन द प्लेग्राउंड, हमेशा अच्छे अच्छे गेम्स खेलिए प्लेग्राउंड में, ऐसे ही भाग लिया, किसी को धक्का मारा, किसी को खींचा, मतलब ऐसे एक रफ गेम्स नहीं खेलना है, मतलब कुछ भी खेल लिया है ना जिससे किसी को चोट पहुंचे, ऐसे हमें जो है रफ गेम्स नहीं खेलने हैं, प्रॉपर गेम्स खेलिए जिसके रूल्स होते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर टिक करना है उन चीज़ों पर जो हार्मलेस होती है, हार्मलेस मतलब जो किसी को चोट नहीं पहुंचाती, और हार्मफुल चीज़ों के लिए हमें क्रॉस मार देना है। तो देखिए इसमें कंपस जो है हार्मफुल है क्योंकि ये चोट पहुंचा सकती है, इसमें नीडल होता है। देन टेडी ओके है, टेडी से आप आराम से खेल सकते हैं। देन आयरन बॉक्स नहीं खेल सकते, फुटबॉल खेल सकते हैं, और किचन की सभी चीज़ें, कुकिंग के पास तो आपको जाना ही नहीं है, बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्क करिए। अब नेक्स्ट देखते हैं सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग बाय अ स्कूल बस और कार, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जब आप कहीं पर जा रहे हो है ना, तब आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। देखिए नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर, ड्राइवर को कभी डिस्टर्ब ना करें, क्यों, देखिए ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, और जब गाड़ी चलानी होती है ना ड्राइवर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है रोड पर, और आप ड्राइवर को जाकर अगर ड्राइवर से बात करेंगे, उनसे बोलेंगे इधर देखो उधर देखो, उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, उनका ध्यान हट जाएगा और गाड़ी जो है इधर उधर चली जाएगी और ऐसे ही एक्सीडेंट्स होते हैं, है ना। तो ड्राइवर को कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डू नॉट स्टैंड इन अ मूविंग बस, अगर कोई बस या कोई भी गाड़ी चल रही हो तो उसमें आपको खड़े नहीं होना, क्योंकि जब ब्रेक लगता है हम गिर जाते हैं, है ना, तो फिर चोट आ जाएगी, तो ये नहीं करना है। बोर्ड एंड डी बोर्ड द बस इन अ लाइन, बोर्ड मतलब बस चढ़ना, डी बोर्ड मतलब बस से उतरना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जब आप करते हो ना स्कूल बस में जाने के टाइम, तब आपको देखिए इस तरीके से लाइन में खड़े होना है, धक्का मुक्की नहीं करना कि मैं पहले जाऊँगा मैं जाऊँगा, ऐसे लड़ाई नहीं करना है, आराम से चलिए क्योंकि जाना तो सबको है ना।
देन वेयर अ सीट बेल्ट इन द कार, कार में जब बैठे हो तो हमेशा सीट बेल्ट पहनिए, टू कीप योर सेल्फ सेफ, अपने आप को सेफ रखने के लिए। और जब बाइक में जाते हैं तो आपको हेलमेट भी पहनना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आप देखिए, डू नॉट पुट योर हेड और आर्म्स आउटसाइड द विंडो ऑफ अ मूविंग बस और कार। जब आप कार में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, स्कूल बस में जा रहे हो, आपको अपने हाथ और सर है ना कुछ भी बाहर नहीं डालना है। मतलब खिड़की से बाहर आप ऐसे मज़े के लिए ऐसे खेलेंगे नहीं कभी भी, ठीक है? बहुत ही डेंजरस है, ठीक है? हमें नहीं पता पास से कौन कौन सी गाड़ी गुजर जाती है अचानक से। तो ये चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है जब आप ट्रैवल करते हो। अब देखिए, ग्रैनी कह रही है कि अगर किसी को चोट लग जाए या आपने देखा कोई किसी को चोट आ गई है तो इमीडिएटली जो है अपने किसी बड़ों को, वहाँ पर मौजूद किसी भी बड़े एडल्ट को आपको इन्फॉर्म करना है, ताकि उस बच्चे को या उस पर्सन को जो है इमीडिएटली हेल्प मिल जाए, मतलब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाए, ठीक है? सो वो चाहे कोई भी हो, अगर आपके मम्मी पापा हैं तो उनको बताइए, नहीं तो टीचर्स या पड़ोसियों को बताइए, नेबर्स मतलब पड़ोसी, ठीक है? तो आप ऐसे बता सकते हैं किसी एडल्ट को, ताकि उनकी लाइफ बच जाए, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सेफ्टी वाइल स्विमिंग। अगर आप स्विमिंग के लिए जाते हैं तब क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब और फ्लोटर। ये क्या होता है स्विमिंग ट्यूब और फ्लोटर? ये जो स्विमिंग ट्यूब देखा है आपने जिसमें हवा भरते हैं, अगर उसको आप वेयर करेंगे, उसको पहनेंगे तो आप डूबेंगे नहीं, आप पानी में फ्लोट करेंगे, तैरते रहेंगे, ठीक है? तो हमेशा जो है स्विमिंग ट्यूब यूज़ करना है जब आप जाते हो। डू नॉट गो अलोन फॉर स्विमिंग। अकेले, अलोन मतलब अकेले कभी नहीं जाना, हमेशा पेरेंट्स के साथ रहिए या फिर किसी इंस्ट्रक्टर के साथ रहिए जो वहाँ पर है, ठीक है? अकेले कभी भी स्विमिंग के लिए नहीं जाना। देन स्टे इन द शैलो एंड ऑफ द पूल। शैलो एंड मतलब क्या होता है? शैलो डीप जो है अपोजिट वर्ड्स हैं। डीप मतलब गहरा, शैलो मीन्स जो गहरा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे बताया कि पूल के शैलो एंड में खड़े रहिए। शैलो मतलब जहाँ पर गहरा ना हो, मतलब पानी बहुत ज़्यादा नीचे ना हो, वहीं पर खड़े रहिए जहाँ पर पानी आपके हाइट से कम हो, ठीक है? आपके हाइट से ज़्यादा पानी होता है तो वहाँ पर डीप होता है, वहाँ पर आपको नहीं जाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में जब आप खेलने जाते हो तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, डू नॉट प्ले इन द डार्क और लोनली प्लेसेस। आपको डार्क जगह पर, अंधेरी जगह पर और अकेली जगह पर नहीं जाना है जहाँ पर कोई ना हो, क्योंकि वो भी डेंजर हो सकता है ना? हमेशा मम्मी पापा के साथ रहिए या फिर किसी भी बड़ों के साथ ही रहिए, ठीक है? देन डू नॉट पुश और पुल अदर्स वाइल प्लेइंग। खेलते समय दूसरों को धक्का देना, खींचना, ये सब चीज़ें अवॉइड करिए, क्योंकि आप भी गिर सकते हो, वो पर्सन भी गिर सकता है, दोनों को चोट आ सकती है। तो ये सब मत करिए जब आप खेलते हो, है ना? हमें जो है अच्छे से खेलना है और वापस आना है ना। देन देखिए, फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। जो भी गेम आप खेल रहे हो उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करना है। कोई चीटिंग नहीं करनी, कोई रूल्स को नहीं तोड़ना, है ना? फिर मज़ा नहीं आता गेम खेलने में। तो रूल्स को फॉलो करके ही गेम खेलिए, चाहे वो कोई भी गेम हो जो आप खेल रहे हो। Then, do not play near bushes, fences or busy roads. So, bushes मतलब जो झाड़ियाँ होती है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घास होती है खट्टे में, क्योंकि वहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स हो सकता है, कुछ क्रिएचर्स हो सकते हैं। और fences मतलब जैसे किसी गार्डन के चारों तरफ बाउंड्री बनाई है तो वहाँ पर, या फिर busy roads मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती हो, ऐसे रोड पर आपको नहीं खेलना है, ठीक है? हमेशा प्लेग्राउंड में खेलिए, प्लेग्राउंड के अंदर ही खेलिए, बाहर मत जाइए, ठीक? So, ये देखिए, चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, पिक्चर भी दी है यहाँ पे। अब देखिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट सेफ्टी सेव्स द लाइफ। हमेशा याद रखिए, सेफ रहने से हम अपनी जान बचा सकते हैं, हमारी लाइफ सेफ रहती है। फॉलो ऑल द सेफ्टी रूल्स एवरी टाइम एवरीवेयर टू एंजॉय लाइफ। हमेशा अपना सेफ्टी रूल्स ध्यान रखिए, चाहे आप कहीं पर भी हो, क्योंकि फिर देखिए कुछ हो जाने के बाद फिर बोलकर कोई फायदा नहीं। तो आपकी जिम्मेदारी है आपकी बॉडी की केयर करना, उसको सुरक्षित रखना, सेफ रखना, ठीक है? तो जब भी आप घर में हो या घर से बाहर भी हो, चारों तरफ की चीजों को देखकर काम करिए और सेफली अपनी लाइफ भी एंजॉय कीजिए, ठीक है? तो यही कहा है आपके चैप्टर में सेफ्टी रूल्स। अब इसके एक्सरसाइजेस जल्दी से देख लेते हैं। देखिए,
वी शुड स्विम इन द डैश एंड ऑफ द पूल, तो क्या आएगा, शैलो, है ना, हमें गहरे पानी में नहीं जाना, हमें जो है शैलो एंड में रहना है. देन वी शुड प्ले विथ डैश, हमें किससे खेलना चाहिए, हमें टॉय से खेलना चाहिए, मैच बॉक्स से नहीं खेलना चाहिए. ठीक है, वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ डैश हैंड्स, हमें जो है कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें जो है गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए. वेट मीन्स गीला, ड्राई मीन्स सूखा. ठीक है, तो गीले हाथों से हमें नहीं छूना चाहिए, नॉट मतलब नहीं छूना चाहिए. ठीक है, देन वी कैन ओपन आवर डोर टू डैश, हम जो है दरवाज़ा खोल सकते हैं किन के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, स्ट्रेंजर्स के लिए नहीं. स्ट्रेंजर्स मतलब अनजान लोग, अजनबी लोग, जिनको हम जानते नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्यों आए हैं हमारे घर में, है ना. तो हमें अनजान लोगों के लिए कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलना है. ठीक है, अपने फ्रेंड्स के लिए ही खोल के दे, या फिर जिन्हें आप जानते हो. देन वी शुड वेयर डैश इन द कार, हमें कार में क्या पहनना चाहिए, हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए. उसके बाद देखिए यहाँ पे गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, हमें रीजंस देने हैं, हमें कारण देना है कि ये सब क्यों करते हैं. देखिए, पीपल हु राइड टू व्हीलर्स मस्ट वेयर अ हेलमेट, सो क्यों हेलमेट पहनना चाहिए, टू प्रोटेक्ट अवर हेड फ्रॉम इंजुरीज, है ना, हमें जो है हेड इंजुरी से बचने के लिए, हमारे सर पे चोट ना लगे. ठीक है, देन देखिए वी शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक लाइटर्स एट होम, मैच स्टिक लाइटर में क्या होता है, फायर निकलता है ना, सो बिकॉज इट कैचेस फायर. ठीक है, इसीलिए जो है हमें इनसे नहीं खेलना चाहिए. वी शुड नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर ऑफ अवर व्हीकल, क्यों, क्योंकि इट कॉसेस एक्सीडेंट्स, है ना, ड्राइवर का ध्यान नहीं हटाना है, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है. वी शुड नॉट प्ले नियर रोड्स, हमें रोड्स पे नहीं खेलना है, क्यों, क्योंकि व्हीकल्स आर देयर ऑन बिजी रोड्स विच कैन हार्म अस, जो हमें चोट पहुंचा सकते हैं. अब यहाँ पे कुछ लोगों के पिक्चर दिए हैं ना, सो इसमें से देखिए हमें जो है उन लोगों के सर्कल पे ग्रीन कलर करना है जो हमें डेंजर से बचाते हो, मतलब जो हमारी लाइफ बचाते हैं. सो देखिए सबसे पहले पुलिसमैन का पिक्चर है, सो यहाँ पे देखिए पुलिसमैन, पुलिसमैन बचाता है ना हमें चोरों से, गुंडों से, तो यहाँ पर क्या करना है, ग्रीन कलर करना है. ठीक है, तो ऐसे ग्रीन कलर कर देंगे इसके अंदर पूरा. देखिए नेक्स्ट पिक्चर है एक बेबी का, क्या एक छोटू सा बेबी हमें किसी डेंजर से बचा सकता है, नहीं बचा सकता, क्योंकि वो बहुत छोटा है ना, तो हम यहाँ पर कलर नहीं करेंगे क्योंकि ये बेबी हमें नहीं बचा सकता. ये कौन है, देखिए ये क्लीन कर रहा है, एक स्वीपर का पिक्चर है जो सफाई कर रहा है. अब देखिए यहाँ पे हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है हमें डेंजर से नहीं बचाता, बट हाँ ऑफ कोर्स बीमारियों से तो जरूर बचाता है हमारे सराउंडिंग को क्लीन करके. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ये है टीचर, टीचर भी हमें डेंजर से नहीं बचाती है, हमें चीजें सिखाती है. टीचर क्या करती है, हमें पढ़ाती है, हमें जो है सिखाती है, हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है, पर टीचर वो पर्सन नहीं है जो हमें डेंजर से बचाए, है ना. पर नेक्स्ट पिक्चर देखिए फायरमैन, फायरमैन हमें डेंजर से बचाते हैं, कहीं पर आग लग जाती है तो वो आग बुझाकर हमारी मदद करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर कर देंगे और इस तरीके से कंप्लीट करिए कि आपको क्या लगता है. देखिए राइट टू सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड, अब हमें जो है सेफ्टी रूल्स लिखने हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा था चैप्टर में. ठीक है, एट होम दो लिखेंगे, एट स्कूल में क्या है दो लिखेंगे, इन द प्लेग्राउंड क्या है दो लिखेंगे. ठीक है, जैसे घर में हमने देखा डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, है ना, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद योर वेट हैंड्स, ऐसे दो दो रूल्स लिखने हैं. स्कूल में क्या है, ऑलवेज वॉक इन अ लाइन, डू नॉट स्टैंड ऑन टेबल और चेयर, ये सब लिख सकते हैं. देन प्लेग्राउंड में क्या होता है, डू नॉट पुश और पुल एनीवन, ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स, तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं. उसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पर जो है कुछ लेटर्स से आपको जो है ये वर्ड्स फिल करने हैं. सो ये कौन से प्लेसेस हैं आपको पहचानना है. देखिए अ प्लेस टू प्ले, ये कौन सा प्लेस है, ये है पार्क. ठीक है, तो हम यहाँ पे पार्क की स्पेलिंग लिखेंगे, पी ए आर के, पार्क. ठीक है, देन देखते हैं शार्प ऑब्जेक्ट यूज बाय टेलर्स, जो कपड़े सिलने वाले होते हैं ना उन्हें टेलर्स बोलते हैं, वो क्या चीज़ यूज करते हैं, वो नीडल यूज करते हैं, सुई. ठीक है, तो यहाँ पे नीडल लिखेंगे. देन अ ट्रैफिक लाइट विच टेल्स यू टू वेट, कौन सा ट्रैफिक लाइट है जो आपको वेट बोलता है, येलो लाइट बोलता है. देन अ प्लेस टू क्रॉस द रोड, कौन सा प्लेस है जहाँ पर हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग, तो स्पेलिंग लिखेंगे ऐसे. इट कैन कॉज अ फायर, कौन सा है जो फायर ला सकता है, मैच स्टिक, जो हमारा माचिस का तिल्ली होता है. ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे ऐसे और कंप्लीट करिए इस पेज को. और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, सेफ्टी रूल्स. अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.